जान रहा। बेटा माँ को भूल गया है, भाई की निशानी को खत्म करना चाहता है, उनके सर पर खून सवार है इंस्पेक्टर साहब। ओ मियां खान जी सर, ओ दो सिपाही ले जाओ और अच्छी तरह वार्निंग दे के आओ उनको। सिपाही ना भेजें जी, वो चौकन्ने हो जाएंगे। वो तो फिर आप चाहती क्या है, हमें भी कुछ पता चले ना, हमारे भी पल्ले पड़े। बताएं आप क्या चाहती हैं? उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लें। हाँ फौरन गिरफ्तार कर लूं, कानून मेरे घर का है। इस बच्चे को तहफ्फुज़ दे दीजिए किसी भी तरह। वो देखे ना बेगम साहब, वो भी आपका बेटा है, उसका भी हक बनता है, कुछ दे दिला के किस्सा खत्म करवाए। कौन सा लाखों का मामला है? लाखों का ना होता तो हम सुखी ना होते। तो है कितना? नकद और जायदाद मिलाकर कोई 80 लाख से ज्यादा बनता है। 80 लाख? ओ महमूद। यस सर। ओ ये तो बड़ा पेचीदा केस है, क्या करें? सर मेरा ख्याल है कि अदालत से रुजू करना चाहिए। अदालत से? बेगम साहब खर्चे से घबराती हैं, इसलिए तो बेटे से फैसला नहीं करती। आप मेरी बात नहीं समझे। ना आपकी बात मैं नहीं समझा, आप क्या फारसी बोल रही हैं? सीधी सी बात है, है? जायदाद का मसला है, अदालत में जाएं बस। इस बच्चे को कहां छुपाऊं? हॉस्टल में दाखिल करवाएं इसे। खुदा के लिए मुझे टालिए नहीं। वो बताए, एक घंटे से मैं अपना सर खपा रहा हूँ और आप कह रही हैं कि मैं टाल रहा हूँ आपको। देखिए प्लीज बीबी, आप इसे हॉस्टल में दाखिल करा दीजिए, इस सर ने बहुत ठीक मशवरा दिया आपको। इनको मशवरा नहीं चाहिए, इनको एहतराम चाहिए, लिखा हुआ बात। किसी भी हॉस्टल की दीवारें इस बच्चे को तहफ्फुज दे सकती तो मैं यहाँ कभी ना आती। उन पर जुनून सवार है, खून सवार है। ऐसा करो महमूद, जल्दी से इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ फौरन। राइट सर। आइए बीबी उठिए ना। मुझे रिपोर्ट नहीं कराना। रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाना तो मेरे पास क्या रानी तो मैं जो चलवा दूंगा है? रिपोर्ट तो दर्ज करवाना होगी ना आपको। 7 पर्दों में छुपा है ये राज, रिपोर्ट से खुल जाएगा। प्लीज बीबी आप बहस मत कीजिए, हमारे पास बहुत से केसेस होते हैं जो हमें खुद डील करने होते हैं। ठीक है, मैं इस बच्चे को खुद कातिलों के हाथ में दे दूंगी। चलो होगी ना औरतें वाली बातें शुरू, मैं इसको बच्चे को कातिलों के हवाले खुद कर दूंगी। सर जी बड़े साहब ने याद फरमाया है जी आपको। अच्छा भाई, अच्छा महमूद जी सर, ध्यान दें इनकी बात सुनो और समझ लो अच्छी तरह, मैं अभी बात सुन के आता हूँ। कब तक बचेगा, कब तक बचेगा? किराए का कातिल किधर है? किराए का कातिल, किराए का कातिल, पागल हो गए हो? दिमाग ठिकाने होता तो किराए के कातिल की बात नहीं करते, खतरनाक होता किराए का कातिल। तुम्हें क्या तजर्बा है? है? बहुत गहरा हूं मैं, बहुत लंबे हैं मेरे हाथ। हाथ भी नहीं हो तुम, रोब नहीं डालो मुझ पे। बता दूं, कोई कारनामा किया होता तो सामने ना जाता। अफजल को किसने हटाया था तेरे रास्ते से, समझा कि नहीं? अफजल को टायर आउट, टायर आउट। पर उसने ऐसा क्यों किया? बहुत रुपया है सर, बहुत बड़ी जायदाद है। इंतहाई पेचीदा, नाकाबिले यकीन, अंदोना। बस ध्यान दे बैठो, ऊंगो नहीं बैठ के। हकायक सामने आने चाहिए जाफर से। कार्रवाई हो गई सर? वो तो मैं जानता हूं कि कार्रवाई हो, लेकिन मैं कुछ जल्द चाहता हूं, पहले गिरफ्तारी। आप भी यहीं ठहरेंगे मिस्टर? बगैर तफ्तीश के सर। जुर्म इस नौयत का है जाफर हुसैन कि मुजरिम को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, तफ्तीश तो हम करेंगे। देखो ए, अगर गलत साबित हुआ तो याद रखना मैं खाल उतर दूंगा पकड़ के। गलत होगा तो सजा भुगतूंगा जनाब। तुम यहां भी पहुंच गए? हाँ, कातिल को गिरफ्तार कराने के लिए मुझे आना पड़ा यहां। कमीने जलील साजिशी, तुम कातिल हो, कमीने हो, हराम खोर हो। बेगम साहब क्या कर रही हैं आप? ये आपके घर का कोई ड्राइंग रूम नहीं है, थाना है, होश में आए। जाफर प्लीज प्लीज सर, आपकी वजह से ये बिला वजह लिफ्ट ले जाते हैं ये लोग। बेगम साहब आप तो शेर रखिए।
या मुझे बताइए आपके किस्सा क्या है? ये मेरा मुजरिम है, साजिशी है। इसने इस बच्चे को कत्ल करने की साजिश बनाई मगर खुदा ने इसे बचा लिया। मगर ये तो साहिला बेगम साहब, ये एक मक्कार बेहुदा और घटिया शख्स है। मुजरिम का लफ्ज छोटा है इनके लिए, ना होने के बराबर। एक मिनट बेगम साहब, इनके लिए से क्या मुराद है आपकी? क्या कोई और भी शरीक था? जी, मेरा बेटा। मगर क्यों? इस बच्चे के नाम लाखों करोड़ों की जायदाद ने इन्हें पटरी पर से उतार दिया। ये इंसान नहीं रहे, दरिंदे बन गए, बिल्कुल दरिंदे। मैंने इन दोनों को मां बनकर पाला था। अपने मोहसिन पर पहला पत्थर मारते शर्म नहीं आई तुम्हें? पहला पत्थर मैंने नहीं, इनके सगे बेटे ने मारा है। वही साजिशी है, वही कातिल है। ये गलत है, ये दुरुस्त है। अब बकवास नहीं करो, तुम्हीं से बात करो। बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। मैं मुजरिम नहीं हूं। तो फिर मुजरिम कौन है? आपका बेटा अहमद अली। एक मिनट बेगम साहब, इस शख्स ने दरख्वास्त दी है कि आपका बेटा कातिल है। एक और साजिश, ये उसे गिरफ्तार करा के सब कुछ हजम कर जाना चाहता है, कमीना हरामखोर। लेकिन लेकिन इसकी तफसील क्या, आप जरा मुझे बताइए। क्यों है बकते, क्यों नहीं है? अब बकवाए आप, अंदर तो ऐसे घुसे हैं जैसे तुम्हारी फूफी के पुत्र का दफ्तर है। बकवास क्यों नहीं करते हो? आप मुझे बताइए बेगम साहब। ये मेरा पोता है, यतीम है और करोड़ों की जायदाद का मालिक। यही दास्तान है और यही अजाब। ये इसका कमजोर लम्हा था सर, जब इसने मुझे बताया कि ये अफसल का कातिल है। ये गलत है। आप खुद सवाल कीजिए, इसे टाइराइड में खराबी किसने की? और बाप की तरह परवरिश करने वाले भाई को कत्ल कर दिया, साथ मेरी बहन को भी। वही साजिश इसने अब दोहराना चाहिए इस बच्चे के लिए सर। झूठ है, ये झूठ है ना? कह दो अहमद अली, मुझे सदमे से बचा लो। ये सच है, ये कातिल है, ये मुजरिम है। ये है वो सफाक जिसने अपने भतीजे के कत्ल की साजिश में मुझे शरीक किया और अपने भाई को कत्ल किया। तुम क्यों इस साजिश में शरीक हुए? मैं क्या था सर, साजिश में शरीक हूं लेकिन जुर्म सरजद नहीं हुआ मुझसे सर। तुम कातिल हो? बोलो, तुमने अफसर को कत्ल किया? जवाब दो मुझे। अपने गुनाह का कफारा अदा करने के बजाय नई साजिश तैयार कर ली बेगैरत इंसान। एक यतीम का हक कसम करते शर्म नहीं आई तो? पहले यतीम किया, फिर उसका हक खाया। जहन्नम की आग मुकद्दर है इनका। लाखों की जायज जायदाद रास नहीं आती थी तुम्हें? हाँ, बस मेरे लहू में उतर आई थी। मेरा दिमाग माफ हो गया था, पागल था मैं। पागलपन तो तुम्हारा एक सेकंड में ठीक कर दूंगा ना बच्चू, जब दो खोपड़ी में छितर पड़ेंगे तुम्हारे। क्या करते इतनी दौलत को? करना क्या था सर, दंगा फसाद करना था, और क्या करना था इसने? गुनाहगार हूं, शर्मिंदा हूं। और बनो मासूम, तुम्हारा क्या मतलब है? मासूम बनने से तुम बच जाओगे? और तुमने पकड़ नहीं देखी जावर हुसैन की, तुमने पकड़ नहीं देखी अभी तक? पहले भी तो यही दिल था, यही जहन था, यही दिमाग था, पहले गुनाह का एहसास क्यों नहीं हुआ तुम्हें? जावर हुसैन, अपने खून का थोड़ा बहुत दुख तो होता है ना आदमी को? नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। क्यों मिस्टर, नहीं होता? आदमी तो नहीं था मैं। देखा सर, इसके अंदर का जनावर था असल में। मैं अपने लिए अजाब था,
अपने लिए अजाब हूँ। चलो ज्यादा मासूम न बनो, चलो मियां खान पकड़ो, चलो चलो अलग से पकड़ो से। तुम्हारी तो लिशक मिशक ठीक करता हूँ ना मैं, चल के अंदर आता। चलो क्या हो गया, क्या हो गया? मैं आपके दुख को समझता हूँ या फिर कोई माँ समझती? ये जायदाद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन कर मेरी झोली में हमेशा हमेशा के लिए अजाब डाल दिया। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही? मुझे नहीं चाहिए ये, किसी काम में लगा दीजिए, किसी भी नेक काम में। नेकी के सब रास्ते खुले खातून, मगर इस तरह नहीं, ये तरीका गलत है। इधर आओ बेटे। देखिए सफर बहुत लंबा है, इसकी जिंदगी के लिए, इसकी परवरिश के लिए पहले, फिर बाद में कुछ होता।